भारत के प्रत्येक नागरिक को उच्चतम चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। 200 करोड़ रुपए की लागत से बना यह अस्पताल कानपुर जनपद एवं आसपास के लगभग 2 करोड़ आबादी के लिए निर्मित अत्याधुनिक चिकित्सकीय संस्थान है। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 27 फरवरी 2019 को रखी गई थी। इस अस्पताल में 270 बेड की क्षमता है। इसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी जैसे 12 विभाग स्थापित हैं। इस अस्पताल में 30 बेड का विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आईसीयू और 8 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित हैं। साथ ही यह अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा जांच मशीनें जैसे कि MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि से सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त अस्पताल में CSSD विभाग, 20,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक एवं फार्मेसी भी उपलब्ध है। ये भवन अत्याधुनिक HVAC संयंत्र, स्वचालित अग्निशमन प्रणाली, CCTV, जल उपचार संयंत्र, 750 KVA के 3 DG सेट के पावर बैकअप, सौर गर्म पानी जनरेटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। आज इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण भारत सरकार के स्वस्थ एवं समृद्ध भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।